विंडसर में मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। धोखा दिया तुमने अपनी बीवियों को बहुत। आपकी मम्मी कहाँ की है? मेरी मम्मी दिल्ली की, मेरे पापा रोहतक के, तो मेरा ननिहाल कहाँ का है? दिल्ली का। है? दिल्ली का। गलत जवाब। विंडसर का। विंडसर का। विंडसर का। जहाँ मेरे मामा आए हुए, अभी वहीं होगा यार। ये भी उठाने का? ये वाले भी उठाने का? सो हम लोग जा रहे हैं आज विंडसर। सो मामा जी जो कि आए हुए थे यहाँ पे, वो अभी आजकल विंडसर में है, क्योंकि जो मेरे मामा की लड़की है, कज़न, उसकी जॉब लगी है विंडसर में। सो वहाँ पे उनके पास में फ़िलहाल उन्होंने एक एयरबीएनबी भी ली हुई है। सो वहाँ जा रहे हैं, कुछ सामान भी पहुँचा के आना है, और फिर बहुत वो बोल रहे थे कि भाई विंडसर भी आओ ज़रा घूमने के लिए। सो वी गोइंग टू विंडसर। सिर्फ ये लंबी सी केबल है जो ये। तीन गद्दे लिए, मेरे को जमीन पे सुलाओगे? नहीं, एक उनके पास है। एक उनके पास है, चलो सही। रमेश जमीन पे सो गया, सोना ही पड़ा। हां सोना पड़ा, मैं जमीन पे सोऊंगा यार। तेरे को नहीं, तू नहीं, नहीं छोटा है यार, बेबी है तू अभी। छोटे का सोना चाहिए, मैं सोऊंगा। ऐसा है, बच्चों को संभालने के लिए तूने एक वो खरीदा ना, नौकर। कौन? PS5। हाँ वैसे वो बढ़िया है। वो PS5 संभालेगा बच्चों को। PS5 संभालेगा बच्चों को, नौकर खरीदा तो। ओके जी, बाय बाय बाय। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 325 किलोमीटर। करीबन 3.5 से 3.5 घंटे लगने चाहिए, बट हमारे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी हैव टू डू सम चार्जिंग ऑन द वे। बाय चीकू। चीकू बाय। वेर इज सैम? कैन यू कॉल सैम? बाय। तो हम लोग अभी होके गुजर रहे हैं सिटी से जिसका नाम है ब्रैंडफोर्ड। हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, वो बताएगा भाई। हाँ भाई बता। ये जो ब्रैंडफोर्ड है, इसको टेलीफोन सिटी बोलते हैं, और टेलीफोन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्राम बेल था, जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था, वो यहीं का था, ब्रैंडफोर्ड का। और सबसे पहली जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, वो यहीं से ब्रैंडफोर्ड से पेरिस के बीच में भी थी। पेरिस भी यहीं पे एक नियर बाई सिटी है। चार्ज देखो कैसे करोगे जी, बताओ। अपने आप फिगर आउट करो क्या होएगा। अपने आप देखो कैसे होएगी चार्ज। वही देख रहा हूं। पहली बार आए हो मान लो आप करने के लिए, तो कैसे करोगे चार्ज? बहुत बढ़िया से। उल्लो जी, ओ भाई साहब। देख यार, ये है ना बात। पापा आप टेस्ला ले लो। अब आप टेस्ला, बस अब कुछ नहीं करना, हो गई। अपने आप चार्ज हो गई। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, जब लगता ना भी हाँ कहीं कुछ कुछ नहीं है, तो बंदा कोशिश करता है। कहाँ गए मुझे मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम हम कहाँ गए? हम केरल थे, चारों कटे। नहीं, उसके भी बाद हम लोग केरल गए थे। शिमला के भी बाद हम लोग केरल गए थे। शिमला के बाद हम केरल गए थे। केरल गए थे हम चारों एज अ फैमिली लास्ट टाइम इकट्ठे। अब उसके बाद हम 20 साल के बाद दोबारा जा रहे हैं। दोबारा चारों जा रहे हैं। हमारी नौकरियां भी नहीं लगी, आज की जेब खर्ची और सारे के सारे पापा करेंगे। मैं तैयार हूँ ना, कार्ड लाए अपने साथ।
आपने बुलाया और हम चले आए। तो ज्यादा अच्छा लगता है हमारे को। हम बच्चों वाली सारी हरकतें करेंगे यहाँ पे, आप टेंशन ना लो। मेरे लिए तो बच्चे ही हो हरकतें, तो हमारी बचपन उठा लेंगे, आ जाओ। एक बंगला बने। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब। कैसी चल रही है न्यू जॉब? अच्छी चल रही है, अभी तो ट्रेनिंग ही चल रही है। पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है काम विंडसर? मैं दिल्ली से निकलो पहले आता माने सर, फिर अमृतसर, फिर विंडसर। बिल्कुल सही है, बढ़िया लग रहा है। अरे तो है ये बढ़िया, किचन के अंदर ही डाइनिंग भी है, मस्त। मामा जी मैं कह रहा हूँ हमारा आने का इतना मन था कि हम अपनी बीवियों को छोड़ के आ गए। अब आप हमारी कमिटमेंट देखो, आप हमारी धोखा दिया तुमने अपनी बीवियों को बहुत। ये खुशी है कि तुम तो आ ही गए, तुम्हारी बीवियां नहीं आई। मुझे लग रहा है इस बार ही अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा का बच्चे हो गया। ऑलराइट, हमारा खाना वाना हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा डिनर नहीं लंच। ऑलराइट, अब हम लोग जा रहे हैं विंडसर रिवर फ्रंट। एक रिवर है जो यूएस और कनाडा के बीच में, क्या रिवर का नाम क्या? डेट्रॉइट रिवर है ना? डेट्रॉइट रिवर है ये, यहाँ दिखा देते हैं ना यार। ये कनेक्शन है ना जो, ये रहा देखो, ये है कनाडा, ये है अमेरिका। हम यहाँ जाएंगे और फिर इसको बोलते हैं डेट्रॉइट। यही है रिवर साइड ड्राइव पार्किंग, यही है। हाँ, तो पता तुम यहाँ विंडसर आए तो और कहाँ जाओगे? हाँ नहीं, मैंने डाला था ना। तो ये है लेक ईरी, ठीक है, और ये है लेक सेंट क्लेयर। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है बेसिकली, इन दोनों को जो जोड़ता है वो है डेट्रॉइट रिवर। तो बाहर मेन रोड से सीधा सीधा आए थे। बस एक्चुअली बाहर बाहर से घुमा के ले जाती होगी ना कैब पे, फिर आपको सीधा सीधा बाहर मेन रोड से आए हम। ऐसा है जी, आप टेंशन लो, पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। तो सीधा ही ले इसी पे ले। अच्छा, यहीं पे था वो सीन। हां, फायर ब्रिगेड, वो उसने होटल में ना फायर ब्रिगेड का झंडा कितना बड़ा है। ये यहीं तो कल हम आए हैं, यहीं बैठे रहे हैं इतनी घंटे। यहीं से तो नीचे तो ये अभी हम लोग हैं कनाडा में, विंडसर में। ये कनाडा का झंडा, थोड़ा सा इधर घूमना है। ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है आपको नजर आ रही है, ये है डेट्रॉइट यूएस। ये तो बॉर्डर है यहाँ पे और रिवर फ्रंट पार्क है, ये घूमने के लिए तो अच्छी जगह है। हमारा यहाँ आने का एक और भी पर्पस है मम्मी की, कि एक फ्रेंड का कल फ़ोन आया कि हम लोग विंडसर आए हुए हैं, तो रोहतक की है मम्मी की फ्रेंड, उनसे मिलने आए हम। बताऊंगा नहीं, बताया इन्होंने बाद में, बताया प्रैंक करने के, हमारे को प्रैंक करने के बाद। आओ जी, आओ सारे आओ, अंधेरा हो रहा है, फिर ना कहना कि फोटो नहीं ली। आओ जी, आओ सारे आओ। विंडसर में मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा।
बयान ही नहीं कर सकती। और क्या हुआ कि ये आंटी जी मिले, आंटी जी की लड़की है सपना, और पता चला वो मेरी सीनियर थी स्कूल में। मतलब साक्षी के भी सीनियर ही थे, लेकिन आप हाँ एक साल सीनियर हो गए ना आप साक्षी के, बट लेकिन आप अमित नागपाल मेरा क्लासमेट, हाँ तो फिर एक साल सीनियर था ना वो सर, तो लेकिन आपको इसलिए ध्यान होगा साक्षी, क्योंकि अमित का अमित की भाई अमित की सिस्टर है भाई, चलो इसीलिए ध्यान होगा। बोल रहे हमारी फोटो आनी जरूर चाहिए भाई ब्लॉग में, जरूर आएगी जरूर आएगी, डोंट वरी। ओके जी बाय बाय बाय, ओके बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। कलर क्या जबरदस्त लग रहे हैं, अरे बिल्डिंग के नहीं कह रहा मैं, स्काई का जो ऑरेंज सा कलर आ रहा है क्या सही लग रहा है। एक दिन पहले ही पहुंच जाएगी तो पेपर दे देगी, वो नहीं ना इंटरनल से तो दो चार दिन पहले पहुंचे। ऐसा इंडिया में भी कोई पेपर के लिए तैयारी करता है? मैं तेरे को, तू कौन से उसमें, मैं नकल मरवा दूंगा तेरी, डोंट वरी। तो अभी बहुत दिन बाद पेपर, अभी से जिद लगा के बैठी है कि जा, कोई नहीं पढ़ता इंडिया में, आप बताओ पढ़ते हो? पेपर से पहले पढ़ते हैं, बैठना है और वो भी फर्स्ट ईयर में, अभी कोई फाइनल ईयर में थोड़ी है तू, फर्स्ट ईयर में कौन पढ़ता कॉलेज में? कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मैंने, मुझे सीनियर बस दूर रहे। तेरे 10th 12th में कितने परसेंट नंबर थे? वो तो 97.5। तू ऐसे ऐसे करेगी ना, तेरे को पेपर पास, ऐसे किताब पढ़ेगी ना बस, दो चार पन्ने पढ़ेगी तेरे पास हो जाएगा, डोंट वरी। पढ़ते यार मजाक करता है, कई ऐसे है भी जो एक रात पढ़ करके सारे साल की कसम खा ली। लेकिन ये किताबें तो लाई है ना तू अपनी साथ, पढ़ती रही पे। यहाँ कौन मना कर रहा तेरे को पढ़ने से? ऐसा जी अगर हम गाड़ी में बैठे तो ही जा पाएंगे, यहाँ तो बाहर तो हमारी एक घंटा बात होती रहेगी, वो रखना था ना स्पेयर टाइम मैंने। हाँ चलो जी, ओके आओ बैठो जी, बाय 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 बाय। अच्छा जी अब आप यूं नहीं बोल सकते कि तुमने हमारे को लंदन नहीं घुमाया। हाँ। चाहे हम थोड़ी देर के लिए इसे आए तो हैं, लंदन लंदन आए तो हैं थोड़ी देर के लिए इसे। ये कह रहा रानी का महल कहाँ है, मैं कह रानी का महल नहीं है लेकिन राजकुमारी की ऑटो शॉप है यहाँ पे। राजकुमारी का है अब इस आगे टाइम तो राजकुमारी का, रानी तो बूढ़ी हो गई है। तो रुक किधर जाना, आरबीज पे यार, आरबीज का बहुत बेटर होता है बर्गर मैकडी से। तो ऑनेस्टली इंडिया में जैसा मर्जी मिलता हो, यहाँ पर सबसे लोएस्ट बर्गर मिलता है मैकडी का। हाँ नहीं बेकार है, आरबीज पे चलते हैं।